वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 21.1 जो है कोडा की सॉरी नवनीत की बुक से, वो हमने इसके पहले के वीडियो में देखी है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 22.1 जो अगेन है नवनीत के बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल की बटन जरूर प्रेस करना ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, मतलब एक क्यूब की अगर लेंथ को हम डबल कर दे, तो आपको मालूम है लेंथ ऑफ क्यूब हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अगर हमने लिया एल, अब उसको डबल करना है यानी अब लेंथ ऑफ क्यूब हो गई 2L। हाउ मच परसेंट विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो जब लेंथ एल थी तब सरफेस एरिया कितना है और जब लेंथ 2L है तब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वो कितने परसेंट से बढ़ा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 × साइड स्क्वायर, तो 6 × साइड तो है L, तो 6L² हो गया। और यहाँ पे सरफेस एरिया कितना होगा 6 × 2L² ओके, 6 × साइड स्क्वायर, अभी साइड 2L है, ये दो कंडीशन में हम इसको देख रहे हैं। अब इसका आंसर कितना होगा, 6 × 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4 × L² दैट इज इक्वल टू 24L² होता है। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया 24L² आया, यहाँ पे सरफेस एरिया 6L² आया, तो यहाँ पे बढ़ गया है, तो कितने से बढ़ा है, तो सबसे पहले हम इंक्रीज कितना हुआ है 24L² में से 6L² को अगर माइनस कर दे सो यू विल गेट 18L², तो 18L² बढ़ा, लेकिन हमें परसेंट इंक्रीज फाइंड करना है कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि 6L² पहले था, फिर हो गया यहाँ पे देखो आप 18L² हो गया, इनको अगर आप 100% करो तो आपको मिल जाएगा इसका परसेंटेज। तो L² कैंसिल, 6 × 6, 6 × 3 = 18, 3 × हो गया 300, सो 300% उसमें इंक्रीज हो गया। सो विथ ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पीयर इज 27:64, तो दो स्पीयर के वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया है। इफ द सम ऑफ देयर रेडाई आर 28 cm और दोनों स्पीयर के रेडियस की सम दी है, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम रिस्पेक्टिवली, तो हर एक स्पीयर की हमें रेडियस फाइंड करनी है। मान लो रेडियस ऑफ वन स्पीयर, सो विल राइट हियर रेडियस ऑफ वन स्पीयर इज इक्वल टू हम लेते हैं R1, ठीक है, और फिर लेते हैं रेडियस ऑफ अदर स्पीयर यानी सेकंड जो स्पीयर है उसकी रेडियस लेते हैं हम R2। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर हो जाएगा V1, वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीयर V2, तो हमें इसका यहाँ पे रेशियो दिया है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे उनका वॉल्यूम का रेशियो, सो वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीयर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ अदर स्पीयर, इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो दिया है 27/64, बट इट। अब वन स्पीयर का फॉर्मूला हम लिखेंगे, वॉल्यूम का पाई आर 4/3, उसका फॉर्मूला है 4/3 πr³, और दूसरे का यहाँ पे हम लिखेंगे R1। R1 क्यों लिखा, कि वन स्पीयर की जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है, और अदर का रहेगा 4/3 πr²³ = 27/64,
4 upon 3 get cancel, 5 get cancel. So remain here R1 cube upon R2 cube is equal to 27 upon 64. अब दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हैं, सो यू विल गेट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट है 3 और 64 का है 4. तो यहाँ पे हमें मिल गया है R1 अपॉन R2. इसमें से आप R1 की वैल्यू फाइंड करो, R1 इज इक्वल टू 3R2 अपॉन 4. यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 4R1 इज इक्वल टू 3R2 और इसमें से R1 हो जाएगा 3R2 अपॉन 4. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों स्पीयर के रेडियस की सम 28 सेंटीमीटर है, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हमें 28 दिया है. अब इसमें R1 की वैल्यू पुट अप करो, सो यू विल गेट 3R2 अपॉन 4 प्लस R2 इज इक्वल टू 28. डिनोमिनेटर सेम करो, सो यू विल गेट 3R2 प्लस 4R2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 28. ठीक है, ये हो गया 7R2 इज इक्वल टू 28 इंटू 4. R2 को ट्रांसफर, 7 को ट्रांसफर्स करो, सो R2 इज इक्वल टू 28 इंटू 4 अपॉन 7. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ R2. सो R2 इज इक्वल टू 7 × 7, 7 × 4 = 16. अब हम फाइंड करेंगे R1 की वैल्यू. सो R1 इज इक्वल टू, इसमें से R1 क्या हो जाएगा, 28 - R2, यानी 28 में से R2 है 16 को सब्ट्रैक्ट करो, सो यू विल गेट हियर 12. ठीक है, सो R1 हो गई 12 और R2 हो गई 16. सो विच ऑप्शन 12, 16? सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. द रेडियस ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर. अब रोड रोलर इस तरह से होता है, ठीक है, तो कौन सा शेप हो जाएगा ये रोड रोलर का, ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, तो इसकी जो रेडियस दी है वो 84 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक ये दी है 84 सेंटीमीटर. एंड इट्स लेंथ इज 1.4 मीटर, और इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक पूरी लंबाई वो दी है 1.4 मीटर. आगे देखो, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्राउंड विल इट प्रेस इन 500 रिवॉल्यूशन. तो 1 रिवॉल्यूशन में ये कितना एरिया प्रेस करेगा, जितना इसका सरफेस एरिया है. अब इसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया लगेगा या कर्व सरफेस एरिया लगेगा, तो ओनली कर्व सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि जो जैसे ऐसा जो कर्व भाग है वही प्रेस करते जाता है, साइड का भाग कर्व नहीं कर, मतलब प्रेस नहीं करता है, तो हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा. ठीक है, तो एक बार जब रिवॉल्व होता है तो जितनी जगह प्रेस हो जाएगी वो उसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा. तो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी जगह प्रेस होती है, जितना कर्व सरफेस एरिया है. तो 500 रिवॉल्यूशन में कितनी जगह प्रेस करनी है, कितनी जगह प्रेस होगी, उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो वी विल राइट हियर हाउ मच एरिया ऑफ द ग्राउंड विल इट प्रेस इन 500 रिवॉल्यूशन. ठीक है, एरिया प्रेस इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एरिया प्रेस इन 1 रिवॉल्यूशन. 1 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया प्रेस होगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर. ठीक है, रोड रोलर. अब रोड रोलर कौन से शेप का है, इसका ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप का. तो इसका जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो है 2πRh. अब इसकी जो लेंथ है वही उसकी हाइट हो जाएगी, सो यू विल गेट हियर. अब यहाँ पे आप देखो वैल्यू पुट अप करने से पहले आपको क्या करना है कि 1 में इतना होता है तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना होता है वो हम फाइंड कर लेंगे. सो एरिया प्रेस इन एरिया, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो, सो यू विल गेट हियर 2 × 22/7 × रेडियस है 84 सेंटीमीटर में इंटू. अब यहाँ पे देखो हाइट दी है मीटर में और मीटर का कन्वर्शन करो सेंटीमीटर में, सो 1.4 मीटर इज इक्वल टू 1400.1 डिजिट के बाद, सो यू विल गेट हियर 140 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 7 × 7, 12. ठीक है, और 12 × 2 =
24 को मल्टीप्लाई करो 22 से, सो यू विल गेट हियर 2 4 8 2 4 8 2 4 8, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, 2 2 4, सो आंसर इज 528। फिर से देखो 2 4 8 2 2 4, वेरी गुड। तो 528 आ गया 2 12 और 12 का आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, सो 5 5 2 8 मल्टीप्लाई 14 करो, 14 8 जा 112, यहाँ पे लिखो 2 14 2 28 और 129 और 10 39, सो 39 जा लिख लिया 9, 14 5 जा 70 70 और 3 73, सो आंसर आ गया 7392 और एक जीरो लगा दो, 7392 और एक जीरो स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना हो गया 1 रिवॉल्यूशन में। अब हमें पहले फाइंड करना है कि 500 रिवॉल्यूशन में कितना कवर हो जाएगा, सो एरिया प्रेस इन 500 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो 1 रिवॉल्यूशन में 73920 मल्टीप्लाई करेंगे 500। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 7392 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 46, कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19, कैरी 1, 5 7 जा 35 36, सो आंसर इज 3696 और एक यहाँ का 0 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमें दिया है स्क्वायर मीटर, मैंने मीटर स्क्वायर में, तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें मीटर स्क्वायर करना है, तो 10,000 से डिवाइड करो, 10,000 से डिवाइड करना है 40 कैंसिल करो, सो यू विल गेट 3696 स्क्वायर मीटर, सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन कास्ट इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स ऑब्टेंड। तो एक मेटेलिक स्फीयर है बड़ा जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करने के बाद हमें ऐसे स्फेरिकल बॉल्स बनाने हैं जिसका डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर हो, तो टोटल कितने बॉल्स बनेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। तो मेटेलिक स्फीयर के वॉल्यूम को अगर आप स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट नंबर ऑफ बॉल्स। अब जो मेटेलिक स्फीयर है उसकी रेडियस को हम मान लेते हैं R1, यानी हमें जो R1 दिया है दैट इज ए 3 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल बॉल्स है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2, यानी R2 हो गया, अब देखो हमें दिया है डायमीटर, ठीक है, तो उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस मिलेगी, तो रेडियस हो जाएगी 0.6 upon 2, दैट इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। बट इट अब नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, सो वी राइट हियर नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू, यानी स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू, अब मेटेलिक मतलब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4 upon 3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके लिए R1 क्यूब होगा और स्फेरिकल बॉल के लिए R2 क्यूब, सो यू विल गेट हियर 4 upon 3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4 upon 3 पाई R2 क्यूब, सो 4 upon 3 गेट कैंसल, पाई पाई गेट कैंसल, सो रिमेन R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, R1 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर 3 का क्यूब और R2 की वैल्यू है 0.3, ठीक है,
तो 0.3 का क्यूब होगा। अब 0.3 का क्यूब पहले लिख लेता है यहाँ पे मैं इस तरह से। अब 3 का जो क्यूब है वो होता है 27, ओके, अपॉन 0.3 यानी होता है 3/10, सो आई विल राइट हियर 3/10 ब्रैकेट का क्यूब, सो यू विल गेट 27। अब देखो 3 का क्यूब हो गया 27 और 100 का 10 का क्यूब हो गया 1000। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करना है ना, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो यू विल गेट 27 × 1000 / 27 गेट कैंसल रिमेन 1000, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फॉर्म होंगे 1000, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। द लोअर पार्ट ऑफ अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल। सर्कस टेंट इस तरह से होता है, उसका जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल। तो मान लेते ये इस तरह से एक टेंट लगा है सर्कस का, तो ये लोअर पार्ट जो है वो बन जाएगा इस तरह से सिलेंड्रिकल, ठीक है, इस तरह से मान लो ये सिलेंड्रिकल है और जो अपर पार्ट है वो कोन शेप का यानी कोनिकल है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टेंट इज 28 मीटर। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी जो रेडियस है वो हमें दी है 28 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 15 मीटर। अब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट दी है, ये हाइट हमें दी है दैट इज है 15 मीटर, तो हाइट यहाँ पे मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। आगे इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर, ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी जो स्लैंट हाइट है वो है 53 मीटर। हमें फाइंड करना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगा है, ओके। अब कितना लगा है इसको थोड़ा मैं फिगर ठीक से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप मान लो कि ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप, ये हो गया उसका, ठीक है, आप इस तरह से आप समझ लो ये, ठीक है। अब इसकी जो हाई यहाँ पे देखो आप, यहां से इसकी रेडियस होती है, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो रेडियस, और यहां से ये पूरी उसकी हाइट हो जाएगी इतनी 28 मीटर। हाइट कितनी दी है 15 मीटर, तो ये हो गई इसकी 15 मीटर और ये हो गई इसकी रेडियस 28 मीटर। इस तरह से हम इसकी फिगर को एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके लिए कैनवास कितना रहेगा, सबसे पहले तो ये वाला कैनवास लगेगा स्लैंटिंग वाला, यानी ये कर्व जो कोन है, कोनिकल जो शेप है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और फिर यहाँ पे जो ये है यहाँ पे हमें सिर्फ इतना कैनवास लगेगा, ये साइड करने लगेगा, तो इतना जो कैनवास लगेगा उसको हम बोलेंगे मतलब सरफेस एरिया ऑफ दिस कैनवास, सॉरी दिस शेप इज सिलेंड्रिकल, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हमें तो सरफेस एरिया ऑफ यानी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इतना और सिर्फ इतना फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी जो कोनिकल शेप है उसका, अब सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, दैट इज पाई आर एल। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस तो हमें पहले ही दी है दैट इज 28 मीटर, इंटू हाइट दी है स्लैंटिंग है 53। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 = 4, 4 × 8 = 48 × 53। अब यहाँ साइड में करो 88 × 53, 3 × 24, 3 × 24, 5 × 40, 5 × 40, ओके, तो 4664, तो ये आ गया आंसर 4664 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कोनिकल शेप का, यानी ये जो स्लैंटिंग है कर्व शेप उसका मतलब इतना कैनवास लगेगा। अब हमें फाइंड करना है कि इस सिलेंड्रिकल जो बेस है उसका कितना लगेगा, अब उसका जो फॉर्मूला है वो है 2πRH, सो सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि जो बेस है वो सिलेंडर शेप का है और उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2πRH। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, यहाँ साइड में मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हुआ, इसकी फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2 × π की वैल्यू है 22/7 × रेडियस दी थी मैं 28,
इंटू इसकी जो हाइट है, जो हाइट है वो दी है 15 मीटर। ओके सो आई विल राइट हियर 15। 7 से डिवाइड करो, 7 वन जा 7, 4 जा 15, 4 जा 60, 62 जा 120। सो 120 मल्टीप्लाइड बाय 22, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 2 26, एक जीरो लगा दो तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया बेस का। अब टोटल कैनवास कितना लगेगा, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, टोटल कैनवास कितना लगेगा, जितना जो कर्व है उसके लिए लगा था और फिर बेस का जो सिलेंडर है उसके लिए लगा हुआ, यानी 4664 मीटर स्क्वायर प्लस 2640 मीटर स्क्वायर। इसके एडिशन करो, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 4 10 जा 0 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 जा 3 कैरी 1, 4 प्लस 3 हो गया 7, तो 7304 मीटर स्क्वायर इतना कैनवास उस 10 को बनाने के लिए लगेगा। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो के मतलब जो एक्सरसाइज हमने देखी है 22.2 नवनीत के बुक से, उसकी जो बाकी के एग्जांपल्स है क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, वो अभी हम देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे 10 क्वेश्चन नहीं आ सकते। ओके सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।